लोकसभा चुनावों की घोषणा के साथ ही अखिल भारतीय कांग्रेस सेवा दल हमीरपुर की नई कार्यकारिणी की घोषणा कर दी गई है। इसको लेकर हमीरपुर में बैठक आयोजन किया गया। बैठक में कांग्रेस सेवा दल जिला अध्यक्ष एवं मुख्य संगठक मदन लाल कौंडल मुख्य रूप से मौजूद रहे। बैठक में ग्रामीण व नगरीय स्तर पर संगठन को मजबूत प्रदान करने पर विचार विमर्श भी किया गया। लोकसभा चुनावों की घोषणा के साथ ही अखिल भारतीय कांग्रेस सेवा दल हमीरपुर की नई कार्यकारिणी की घोषणा भी कर दी गई है। इसको लेकर हमीरपुर में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में कांग्रेस सेवा दल जिला अध्यक्ष एवं मुख्य संगठक मदनलाल कौंडक मुख्य रूप से मौजूद रहे। बैठक में ग्रामीण एवं नगरीय स्तर पर संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए विचार विमर्श किया गया। इस दौरान कांग्रेस सेवा दल के जिला अध्यक्ष मदनलाल कौंडल ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र के साथ साथ शहरी क्षेत्र पर भी काम किया जाएगा। उन्होंने सभी पदाधिकारियों को आगामी लोकसभा चुनावों के लिए अभी से तैयार रहने की बात कही। साथ ही उन्होंने प्रदेश व केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों से जनता को अवगत कराने के लिए भी आह्वान किया। जो मेरी जिला कार्यकारिणी प्रबुल होकर आई है शिमला से, उसको मैं आज यहाँ पर घोषित करी। मैंने साथ ही जो मेरे ब्लॉकों के जो ब्लॉकों की कार्यकारिणी को जो ब्लॉक अध्यक्ष थे उनको किया गया यहाँ से नॉमिनेट किया गया यहाँ से। और साथ ही हमारे जो लोकसभा हमीरपुर लोकसभा जो चुनाव है उसके बारे में तो सिर्फ हमीरपुर के लिए बोलूँगा। हमीरपुर के लिए हमारा जो सेवा दल जो है वो पूरा जिला पूरा ब्लॉक जो हमारे देश है वो दिन रात ही करेंगे सेवा दल मैदान में आंधी और तूफान में। और मोदी के बोल झुमला के टोल घर घर जाकर हम जो सेवा दल जो है वो दिन रात ही करके जो हमारे जो रामलाल ठाकुर जी हमारे प्रत्याशी हैं हमीरपुर के संसदीय क्षेत्र के, इनको हम भारी मतों से जीत कर राहुल गांधी जी की झोली में डालेंगे। और राहुल जी को हम 2019 में प्रधानमंत्री बनाने जा रहे हैं। मोदी जी के लोग जो मतलब आज की डेट में मोदी के खिलाफ बहुत ही ज़्यादा जनाक्रोश है फैला हुआ है। मोदी जी ने मतलब बोला कुछ और किया कुछ और ये चौकीदार चोर है, ये तो विदित हो चुका है। रफेल के मामले में देख लो, रफेल की डील के मामले में देख लो, सुप्रीम कोर्ट में भी उसको आज उसका बारे में बोल दिया है, रिव्यू दिया है। तो मैं इतना जरूर बोलूंगा कि मोदी जी के दिन अब खत्म होने जा रहे हैं और राहुल जी के दिन आने जा रहे हैं। सर जैसे हम गांव-गांव जा रहे हैं लोगों के साथ मिले हैं, तो उनके मन में ये भी 15 साल हो गए मन के अनुराग जी को, तो अनुराग जी ने आज तक हमें दर्शन दिए। अब 3-4 महीने हुए तो वो भी रोड के साथ घूम रहे हैं, गांव-गांव में नहीं आ रहे हैं वो, तो हमें उनका जनाक्रोश के खिलाफ बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। और कांग्रेस के जो अभी हमारे रामलाल ठाकुर जी हैं वो विधायक भी हैं हमारे बिलासपुर से, तो उनके लिए जो अब एक तो पहले भी उन्होंने इलेक्शन लड़ा और उनको अनुभव भी है और लोगों के दुख दर्द में और काम करने में वो अग्नि है मतलब काफ़ी एक्टिव हैं, तो साफ सभी हैं उनकी मिलनसार हैं, लोगों की दुख दर्द को दूर करते हैं। अनुराग के बारे में पार्टी के लिए वफादार हैं और अनुराग जी के बारे में जो वो जैसे मोदी की लहर आपको कहीं भी देखने को, पहले मोदी की लहर से जो वो बीजेपी सीटें जीत गई थी यहाँ से, अब मोदी की कहीं भी लहर देखने को नहीं मिल रही है और राहुल जी की लहर चली हुई है यहाँ पर। आज कांग्रेस पार्टी को मजबूत होने जा रही है, कांग्रेस पार्टी चारों सीटें हिमाचल प्रदेश में जीतने। बैठक के बाद नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। नवनियुक्त पदाधिकारियों में यशपाल सिंह और त्रिणुराम को उपाध्यक्ष, देवराज कृष्णचंद, अमरनाथ ज्ञानचंद, महेंद्र सिंह कन्हैयालाल को महासचिव नियुक्त किया गया। इसके अलावा कार्यकारिणी में 7 सचिव, 7 सचिव और अन्य पदाधिकारी भी शामिल किए गए हैं। कार्यक्रम में वक्त हो गया है ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद।